गुलाम जी भी बताएं। सर मेरे शहर के बड़े भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसका हवाला इधर FIR से भी नहीं दिया गया। 3 दिन हो गए हैं, ज्यादा भी उन्होंने किया है, फिर घर पे उन्होंने और मेरे मुझे और मेरे शोहर को कर दिया। तो सर 3 दिन हो गए, हम जा रहे हैं, कहते हैं तो साल में 2000 देते हैं। हाँ जी, कोई बात ही नहीं सुनी। आपका काम अंदर कर रहे हैं कल सर? बच्चा वो खड़े हैं इधर काम सर। ये सर इसके कामन अच्छा की बात है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चार दीवारी का कामन देवर सर बैठे हैं, एक ही घर में रहते हैं सर। ऐसा तो वजह क्या है फिर? साबिर किधर है फिर? कौन गया था मौके पे? सादर मुनीर साहब सब इंस्पेक्टर। अभी वो किधर है? तफ्तीश किधर है जिसके पास ये केस है? वो शेरोज है सर। शेरोज किधर है? शेरोज सर वाला है। अच्छा, इनका ये गिला इनका ये है कि वो एक दफा जो ये कह रही की बनती है वो नहीं लगाई गई। पकड़ने के लिए कहा, वही मुल्जम हमें घर में भी इंटर नहीं होने दे रहे, तो मुल्जम पकड़ने के लिए कहते हैं तो आगे से पकड़ते नहीं। हाँ साहब, इनके मुल्जम नहीं पकड़े जा रहे हैं, देवर है इनका घर में। सर सिर्फ मौका देख के आए हैं, मुल्जम पकड़ने के लिए कहा, मुल्जम नहीं पकड़े। ठीक है, चले आपकी घर की बात है ना, मुल्जम पकड़ जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ताकि तफ्तीश मेरिट पे फिर करें। मेरिट में अगर जो चीज साबित होती है तो वो होती है। वैसे तो 356 पे भी मुझे ये भी मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है, अगर ये एक ही घर में रहते हैं तो फिर 356 कैसे लग गई, और वो दूसरा फिर क्यों लगा अगर वो भी लगा है। इससे साहब जरा खुद दिलचस्पी लें, घर का मामला है, सेंसिटिव भी है। ठीक है, मुझे फिर कल तक आपने बताना है खुद केस में क्या है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक अगर गुनहगार है तो फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो और तमाम करने तक आज पूरे गया उसकी गिरफ्तारी, नहीं तो फिर उसको तफ्तीश में क्लियर करें। ठीक है, मसला यह है कि वो हमें घर में इंटर नहीं होने दे रहे, झगड़ा बढ़ाते हैं, हम घर जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते। ये तो आज ही क्लियर हो जाएगा बेटा, आज आज मैंने आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन हो गए हम सड़कों पे रुल रहे हैं, ये फिर आज ही शाम तक फिर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी आप इधर ही बैठ जाएं, एक पूरी कचहरी के बाद ऐसे आपसे के साथ ये खुली कचहरी के बाद इसको फौरन देख लें कि वो अगर घर नहीं जाना चाह रही, जा पा रही जी सर, तो समझे कि मसला क्या, अगर हकीकत है तो फिर फौरन एक्शन लें इसके ऊपर देना, और हमें शाम तक। पहले मेरी बाइक चोरी है सर, उसका कुछ भी नहीं बना, ना पे मुल्जम गिरफ्तार, ना मुझे बाइक मिली। चोरी का पर्चा हुआ है बाइक सर, डकैती क्या सर? 2 माह से थाना कौन सा है? सदर थाना। सदर चिश्तिया आसिफ सर। सदर हाँ जी है, इसमें कुछ मुकदमे? बंदा पकड़ा है, बंदा पकड़ा है। आपको बताया नहीं है? वो मेरे पास बंदे का नाम क्या है जो पकड़ा है, मुझे बता दो। इनको क्यों बता रहे हैं? आपको अभी नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन इस पे काम हो रहा है, कब तक इसको क्लियर कर लोगे? कितने दिन में हो जाएगा क्लियर? ठीक है, इनके पास नहीं जाऊंगा, मुझे बात पूछ लेने दें, उनसे पूछ लूं मैं उनसे अभी कि क्यों आप मेरे पास आए हैं परसों सर। मेरे पास ऑफिस आधा घंटा बैठ के मेरे बात तो सुन लो ना, आपको अगर वो आपको ये बता देते हैं कि आपके केस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम आपको मालूम तब नहीं दे सकते चोर के बारे में। 2 महीने से मैं सुनूंगा, कोई बात नहीं, 2 महीने लग जाते हैं, क्या होंगे? ठीक है सर, 10 दिन का आपने टाइम दे दिया। हाँ, 10 दिन का टाइम दिया है हमने,
तो 10 दिन के बाद देख लेंगे फिर मेरे पास आ जाए, ऐसे जो से चाय पीने से रूक जाए जाए उनके पास भी ठीक है। उसमें अगर सुस्ती हो जाती है तो फिर हम भी सजा देंगे, सुस्ती की भी सजा देंगे ठीक है। सर वो पता है हो जाता है आपका काम, डोंट वरी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, हम तो सोच रहे थे कि आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे तो आप चार दिन पहले मैं दूध का मोटरसाइकिल लाया जी, मेरा दूध का कारोबार दूध का कारोबार में दूध लेकर आ रहा था ठीक है, जासर बटेरा चार बंदे के नाल, जब मेरा मोटरसाइकिल खो लिया ठीक है ना, गाली के रोज की है और लेकर अपने सेंटर पे आ गया ठीक हो, मैं वन फाइव गाली की मेरे हादसा हो गया, वो गैन मोटरसाइकिल बरामद जासर का कोल कर दिया, जासर का दूध पा लिया अपने जेलर ठीक है, बरामद मोटरसाइकिल आए थे थाने गरीब बंदे का, गरीब बंदे ऐसे गाली गलोच करते और मोटरसाइकिल खो दे और बीसती करते, मोटरसाइकिल अपने घर लगा दे आगे सेंटर, और चार दिन हो गए थे कोई कार्रवाई नहीं। किसके पास है कैसे? हाँ जी सर, बंदे की गाली अभी भी पेंडिंग है, डिसीजन नहीं है। क्यों पेंडिंग है? एक लाख तीस रुपये इसने उसके पैसे देने, सौ दफा देने हो पैसे। अच्छा सर, वो इसके पास पैसे मांगने गया, इसने मोटरसाइकिल फेंका वहाँ से भाग आया, जो अभी तक की मेरी अभी पेंडिंग है, दो दिन का ये टाइम लेके गए कि फैसला करके मैं आपको बताते हैं। नहीं नहीं सर प्लीज सुनिएगा। अच्छा उसके बाद क्या है, उसने कहा कि एक मैंने पूरा भी हो उस भाई पैसे मांगने के अलावा मुकालबा किया हो तो मैं कसम देता हूँ, वो कसम दे दे मुझे तो मैं चलान भी कर दूँ, कुछ भी कर दूँ। पैसे मांगे उसने, बकुआ जिस तरह का ये बता रहा था, फैब्रिकेटेड है, उसको मारा पीटा है, मारा पीटा था लेकिन मारा पीटा है उसको, मारा पीटा। मेरे पास कपड़े अभी भी साबित है सर, मुकम्मल वेरीफाई मैंने किया है, उसके साथ एक बंदा आया है, पैसे उसने मांगे हैं। 5 किलोमीटर क्या? 5 किलोमीटर दूर लाया है उसका सेंटर, 5 किलोमीटर दूर है सर, 5 किलोमीटर दूर है सेंटर, मेरे को मोटरसाइकिल तो खोया है ना, 5 किलोमीटर दूर है सेंटर, मोटरसाइकिल लेके गया था इसका? नहीं लेके गया सर, ये फेंक के चला गया ना सर, पुलिस वाले से रब्ता होता है, ये खुद वो लेके वो क्या करते सर, इसके खुद भी ये गरीब बंदे को दूध बेचने वाले बंदे को इसके पैसे भले बनते हैं उसके पास, उसको यह हक किसने दिया है कि वो खुद इसको मारे पीटे? एक ने पैसे मांग मांग के थक गया, उसने आके सिर्फ इस्तफसार कर, फिर भी उसके पास यह हक है कि वो गरीब बंदा है, वो उधर का पैसा रिक्वेस्ट करके मांगे है, ना मारा ना मोटरसाइकिल छीना, रिक्वेस्ट करके, तो ये झूठ बोल रहा है? ये मैंने तस्दीक की है, वेरीफाई की है, उससे पूछा है ठीक है, क्या मैं हलफ देता ठीक है, ठीक हो गया फिर मैं भी अपनी इंक्वायरी करूंगा उससे, फिर आप घर जाएंगे ठीक है, मैं अपने 2 दिन में इंक्वायरी करूंगा उस पर, फिर पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लूंगा, उनके खिलाफ तो लेंगे ही लेंगे। वैक्सीन 5 किलोमीटर सारा मोटरसाइकिल लाया था गया, अगर मैं फेंक गया उसको क्या तकलीफ है, मेरा मोटरसाइकिल फेंक गया ना, मैं ले जाऊंगा उसको, दूध खराब हो जावे 125। बस इसके आप मैंने खुद इंक्वायरी करनी है ठीक है, आपके साथ 2 दिन बाद में बात करूंगा, कल का दिन छोड़ के अगले दिन मैं आपसे बहुत मेहरबान ठीक है, बहुत मेहरबान, इस पर मुझे अपनी रिपोर्ट चाहिए ठीक सर। आ जाए जी, क्या हाल है सर, से क्या मसला है सर? बकरे चोरी हुआ सी, पर्चा तो हुआ है, रिकवरी नहीं हुई, कौन सा है थाना? अच्छा किसके पास एक गैस सर फसल? अर्षद के पास है, आप बताएं इसमें क्या है? आपने 8 दिन का टाइम लिया था इस केस में पहले, फिर क्या हुआ सर? मुझे नया नहीं कुछ नहीं, काम करीब
पिछली पुलिस के जिम्मे लगाए थे, दो के हेड ओवर हो गए, ये रह गया इसके बंदे पकड़े हुए हैं, कभी कुछ हो गई हो गई। चले टाइम बताए अच्छा किसान, ये पर ऐसा ना हो कि 8 दिन गुजर गए जी और फिर कुछ भी ना हो। वो कह रहा हूँ माड़ा बंदा, ठीक है 8 मेरे बच्चे हैं सर। कितने दिनों बाद? 3-4 दिन बाद। नहीं, एक हफ्ता देते हैं, एक हफ्ता देते हैं। एक हफ्ता में इन दोनों ने ना दिया तो मेरे पास आके मुझसे सीधा, ठीक है जीशान, इसने आके फिर आपसे ले लेना है। आपको फिर जो मैंने देने आपको दे दूंगा, इनको मैंने फिर बकरा या जो भी हुआ है वो मैं इसको दे दूंगा। जी भी बताया मुझे कैसे आई है। ये जमीन, ये आपको पहले तो ये बताइए लगते आपके क्या है ये जमीन? कब कदू बाबा साल हो गए तो इन्होंने कब से कब किया है? कब कदू किस कब्जा किया है? दो तीन सालों में। ये आपके लगते क्या हैं? आपके क्या लगते हैं? मेरे मलवेर मामे के पुत्र हैं। थाने गई हैं? कौन सा थाना लगता है इनको? चले ऐसे जो साफ इनका देखें, बुलवाए इनको भी, उनको भी जरा बुलवाए, अगर इनका हक बनता है तो इनका हक दिलवाए। ये आप देखें, ये फैसल ये आपका मसला हल करेगा, कल तक हमें बताएगा। देखे सर इनको, ये है ठीक है, थाना देखा है ना, ये साथ थाना, आपने थाने पे चले जाना है, भले इसके बाद चले जाएं। चले जाते हैं। हाँ, पर ये है एसएचओ फैसल, ये आपका मसला हल करके हमें बताएगा, ठीक है? अच्छा, चले फिर उनको भी बता दें, आप लोगों ने थाने चले जाना है, मसला आपका हम मेरठ में हल करेंगे, ठीक है? थाने चले जाना है। हाँ हाँ, अभी पुलिस कचहरी खत्म हो जाने के बाद जाना है, वो सारा कुछ देख लेंगे, ठीक है? सारा कुछ देख लेंगे, नहीं परेशान होना, आपका मसला हल करेंगे। आपका नाम नादिर अली जी? जी बताएं क्या हाल है? डेढ़ साल हो गया, दो बकरियां चोर ले गया है, डेढ़ साल हो गया है, डेढ़ साल हो गया, ना आज तक पीर फजल शाह, ना आज तक उसने चोर पर्चा हुआ है? पर्चा नहीं हुआ, डेढ़ साल पहले कभी है, पुराना है मसला सर, ना आज तक पर्चा हुआ है, सवेरे आ जाए, सवेरे आ जाए, फजल शाह एस एच ओ। ये तो 2 साल पहले की बात आप कर रहे हैं, तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा फैसल, इसको वेरीफाई करो जरा हालात को, अगर पर्चा बनता है फिर पर्चा देके दादरा से कर ले। आप क्या करते हैं? मैं जी गोदाम के ना कुछ नहीं कर रहा, मेरा बेटा मजदूर है। ये आपने समझना है, नहीं तो अपनी तरफ से हमने फिर मदद कर देनी है। अगर केस बहुत पुराना हो गया पहले तो किसी चोर का फिर समझ आई तो मेरिट पे कर लें, नहीं समझ आई तो किसी मुकैम हजरात को इन्वॉल्व करके मदद कर दे, ठीक है? को दे दें, आपको बुला लेंगे थाने, ठीक है? मदद करते हैं आपकी। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद मदर इकबाल, पंचरा खान। क्या हाल है? आ जाए मोहम्मद फारूक साहब, ये बताएं कैसे हैं? बताएं
सर ये सेक्शन है, नाम शौकत है, मेरे अपने बच्चे का नौकरी का जाने से वास्ता बहुत था, इसे बहुत था, काफ़ी होता है जो दफ्तरों में घूमते थे, मैं नौकरी का कहा बोलता, हाँ बिल्कुल है, महकमा ताली में है नौकरी, इसकी कलर की जॉब है, तो इसी का करके जी वैसे लगे मेरे को ठीक है। करवाने के बाद क्यों मैंने अपने बच्चे का नाम कर दिया, 2,08,000 लोग काम के लाइन जाके करते हैं, मास्टर की किसी पत्थर के नौकरी है, अफसर की मार्को उनका कोटे में से है, तो सर करते करते 2,80,000 आकर सर आपके दफ्तर के बच्चे को लेके आइए। अच्छा, 40 सरकारी मौके लगे आटे, ये जी तक खा के आटर आ गए आपके सारे सेक्रेटरीट के पंजाब के महकमा ताली के, ये आपके दफ्तर में है ना रेट वगैरह कपड़े, उसमें जी कई चश्मे वाला को बैठ गया, इनको आके पुरानी तारीख को दे गए, फिर लेके गया सर ये दूसरा इसके जी सैलरी के, ये आपकी सैलरी भी चालू करा दी है, ये इधर से बाहर निकला तेरे आर्टर हो गए, ये सारी ये महकमा हर महकमे की तस्वीरें हैं, सरकार से भी सेक्रेटरीट से भी लगाई है क्लियर करके मेरे को पता लगा सब थाने में गिरफ्तार है, रात का मेरे को किसी कदम ने बताया, तो सर ये किस चक्कर में गिरफ्तार है, ये इनका मुलजिम कौन से थाने में, सदर में, सदर चिश्तिया अच्छा इनके साथ तो बड़ा उसने टेक्निकल फ्रॉड किया है, नौकरी का जान सा देखे इनका भी मतलब समझ लें, ये दरखास्त आपको अब देंगे, इससे तो बड़ा टेक्निकल फ्रॉड किया इनके साथ, वो इनको बार बार दिखाता भी रहा कि जी नौकरी ये हो गई फलाना हो गया, लेटर भी जाली स्टैंप पे ठीक है जाली लेटर निकाले हैं, सरकारी और है भी सरकारी मुलाजिम खुद नहीं, खुद नहीं सरकारी मुलाजिम है। अच्छा बहरहाल इनको ये सारे पर्चे जिस भी अगर प्राइवेट बंदा है इनकी दरखास्त लेके ये वाली सारे पर्चे देके गिरफ्तार करके दादर से भी करवाएं, कितने पैसे का गया आपसे, 4,80,000 गलती तो आपकी भी है कि आप जान से भी क्यों आते हैं, पैसों से नौकरी मिलती है सरकारी, बच्चे के लिए 18,80,000 ज्यादा गए, एक बेटा है कारोबार करे, कारोबार में आपके तो इधर लोग कारोबार 5,00,000 आप लगा देते उसके लिए कारोबार में 10,00,000 हो जाते हैं, 2-3 कई कारोबार के सिंह रहते थे, पैदाइश वहाँ की है, हर बंदे पे सवार किया सब ने, लेकिन लालच हम करते हैं ना तो फिर इसमें फंसते हैं, लेकिन चलो बहरहाल फ्रॉड का तो तरीका ये है कि फ्रॉड के ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है कर लेते हैं आपकी मदद करते हैं, ऐसे चाहिए मतलब रब्ता कर लेते उसको फिक्स करना है, औरों के साथ ना करता फिर फ्रॉड, इन इनके साथ तो कर दिया, लड़कों को भी लेके गया उन्होंने, होंगे आपको नौकरी लेके देनी है, ये देखे ना ये और के साथ भी करता रहोगे इसी तरह फ्रॉड, इसकी पत्नियां लड़कियां भी पीछे नहीं होती, उसे भी पर्च लेके दिया, आपने उसको गिरफ्तार करके समझ रहा है कि और किस किस के साथ फ्रॉड किया, उसकी तफ्तीश करके ना समझ रहा है कि और किस किस के साथ फ्रॉड किया है, उसका मोबाइल डेटा ये वो सारा चेक करके, ठीक है ताकि और किसी के साथ हो रहा हो फ्रॉड तो उसके अभी से प्रिवेंशन हो जाए, ठीक है थैंक यू फॉर लेटिंग अस, आपकी दादर से तो हो जाएगा इंशाल्लाह। वाले सलाम, क्या हाल है जी, कैसे आए हैं सर जी, मेरे खिलाफ ना 2023 बटा मुकदमा होगा, ठीक है उसी में तस्वीर चेंज करवा के ले गए शेफ, मैंने इंसाफ नहीं मिला, ठीक है भाई मेरा आया गंदम ही मेरी है, पर्चा भी मेरे तो है, हमला भी उन्होंने किया, अच्छा वो असि तस्वीर चेंज करा के मिश्राबाद खल कर, ठीक 324 का पर्चा मेरे तो है, 138 बटा तो यार अपना हमारा पर्चा मेरे तो ना करवा देता वो असि तस्वीर चेंज करवाई शेफ, सन इंसाफ नहीं मिला, सी ए स्टाफ लै गया उतो से जब बेगुनाह हो आपके जी 2-1 साल पहले वाले हैं जी जी, सर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो ये तीनों की तफ्तीशें चेंज हुई हैं, इसकी नहीं हुई साथ बांधे थे उन्होंने, हमला मुझ पर किया, FIR भी मुझ पर, मैं अपने बच्चा जान बचाने की खातर ना सर आए हो ना ये सर FIR, मैं समझ रहा हूँ आपने इधर रिक्वेस्ट भी ये की है कि आप मुकदमे की तफ्तीश दयानदार अफसर को दी जाए, ऐसा है जी, शेफ के अलावा जितने दिल कर सकते शेर फरीद के अलावा, ठीक है ये मुनासिब है, एक रिक्वेस्ट है मेरी सर शेफ करम खान में सचो ला दियो, क्योंकि जेड़ा बंदा जाता है ना आप ये करम खान का नाम लेता है, करम खान ये फलाना ये वो सर क्या हो गया, पर्चे में तो करवा दिया और मुझे कत्ल अब करवाना चाहता है, ये इस पे तब्दीली तफ्तीश के लिए डीएसपी से
متعلقہ سے رپورٹیں لے کے تو تبدیلی تفتیش میں جانا ہے ان کی کیس پر, ٹھیک ہے؟ یہ ہے چونکہ پرانی تبدیلی تفتیش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جانا, لیکن ان کے ساتھ میرٹ ہو جائے. سر میں ایک اپلیکیشن دی ہے, مجھے چاہیے کہ اس کی رپٹ ہو جائے میری تھانہ شاہ پیر میں. وہ میرٹ پہ آپ دیں اگر ہو سکتی ہے تو لے لے گئی ہے. سر میں نے اپلیکیشن دیا کہ کرم صاحب مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. آپ اپلیکیشن دے دیں, رپٹ لکھنا وہ ہم دیکھیں گے, ایسے کسی کو پسائیں گے نہیں آپ کے معاملے میں, ٹھیک ہے؟ جائیں صحیح بات, میرٹ پہ ہم آپ کا کام کروائیں گے. جی بی بی آ جائیں, کیسے آئی ہیں؟ وراثتی صرف اس کے ساتھ زمین کا یہ تھا کہ وہ اپنے چینج کو کرنے تھی زمین اس کے ساتھ, ہم نے نہیں کرنی تھی. اس نے بولا ہے کہ یہ آدھی کنال تمہارے پاس ہے, آدھی ادھر ہے تو پانی صحیح نہیں لگتا, تو آپ یہ گھاس بھیجا ہوا ہے میرا, تو آپ ادھر سے لے لیں. اس نے ہمارے رقبے سے نا ایک کنال 18 مرلے صرف خریدی تھی زمین دوسرے قبضیدار سے. تو آپ تھانے گئی ہیں؟ جی میں تھانے گئی تھی. کون سا تھانہ ہے آپ کا؟ بخشن. کس سے ملی ہیں تھانے میں؟ تھانے میں میں گئی تھی. آپ کا سعید فاطمہ نام ہے؟ جی. کس سے ملی تھی تھانے میں؟ کبھی نہیں ملی. کب گئی ہیں تھانے میں؟ جو میری انتقال والی زمین ہے نا سر, اس پہ اس نے قبضہ کیا. وہ یہ کب قبضہ کیا ہوا؟ یہ تقریباً سر 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا 2 سال ہو گئے ہیں. جی پرانا ہو گیا ہے معاملہ. تو یہ فریش ہوتا تو پھر تو ہم ابھی فوراً اس کو خالی کروا دیتے, لیکن اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ سر مجھے پہلے بھی اس طرح ہوا کہ میرے میاں کو دستی فوراً جو ہے نا فوت ہو گئے. میاں تو فوت ہو گئے. ہاں جی میرے میاں یہی کہتے ہیں فوت ہو گئے. تو میں 3-4 مہینے تھانے میں نہیں آ سکی. تو تھانے میں نہیں آئی, جب 3-4 مہینے کے بعد میں نے درخواست دی تو وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے ابھی درخواست دی ہے. وہ میرے گھر میں ٹینشن بن گئی, میاں فوت ہو گئے میرے, تو میں کہاں نکل سکتی ہوں؟ پھر یہ فصلیں میں آم پہ بیج رہا ہے. پھر میں تھانے میں آئی تو تھانے والوں نے فیصلہ کیا ہے جڑا یہ قرآن دے. میں کہا میرے کاغذ کی کاروائی دیکھو, یہ وراثت کی میرے پاس نقل ہے. وراثت آپ کو کہاں سے ہوئی ہے, کس سے ہوئی ہے وراثت؟ اپنے والد سے یا شوہر سے؟ جی شوہر سے ہوئی ہے. یہ میرے میاں کے جو ہے نا باپ کے نام پہ ہے زمین, تو باقی جو ہے نا ان کی دادی اور پھپھیوں کی, یہ سب یہ تقریباً 10 کنال ہے. اس کی ایک کنال 18 مرلے زمین ہے, اس نے 10 کنال پہ قبضہ کر لیا. کس نے؟ امیر خان. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ان کا خاون بھی نہیں ہے یہ, دیکھیں نا اس کو پرسو نہیں کر سکی اس وجہ سے کہ وہ خاون فوت ہو گیا, تو اکیلے بیچارے کی طرح. ساس بھی زندہ ہے ابھی. ساس بھی زندہ ہے؟ ساس بھی زندہ ہے لیکن ضعیف ہے, وہ آ نہیں سکتی. وہ آ نہیں سکتی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کی مدد کریں گے. گھر میں ہے میرے 6 بچے ہیں, میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں. تھانے میں بولتے ہیں, تھانے والے بولتے ہیں یہ صفائی رقبہ ہے. میں بول رہی ہوں میرا وراثت کا رقبہ ہے, میرا کوئی حال کر. اگر ان کی وراثت کا رقبہ ہے تو فیصلے ان کو لے کے دینا ہے, ٹھیک ہے؟ پھر یہ ہم آپ کو لے کے دیکھ کے رہیں گے. اگر آپ کی وراثت کا رقبہ ہے, وراثت کا سر یہ وراثت. اچھا پھر ہوگا کیا کہ ان کی چالاکیاں ہوں گی کہ نا 2 سال پہلے قبضہ کر لیا, جب ان کے شوہر فوت ہو گئے فوری آ کے بتا نہیں سکے پولیس کو قبضہ کر لیا, ادلا بدلا کر لیا ہوگا نا. آپ سارا اس کو چیک کریں گے, ویریفائی کریں گے. یہ صرف میں نے آپ کو ہلکا سا ٹریلر دے کے سمجھا دیا ہے. اگر ان کی وراثت کی زمین ہے تو ان کو ہم نے لے کے دینی ہے, میری گارنٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے؟ اور ان کے کیس پر آپ نے خود لڑنا ہے, ہم نے خود لڑنا ہے. 6 بچے ہیں, بیوہ رہ گئی ہے, ٹھیک ہے؟ اب جائیں آپ کی ہم مدد کریں گے, ٹھیک ہے؟ Thank you.
साइकिल चोरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पब्लिक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन एक बार फिर से हाजिर हैं नए दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकयात के साथ। हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ 5 हैरत अंगेज वाकयात शेयर करेंगे जिनके बारे में पहले ना तो आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा, और ये वाकयात यकीनन आपको भी हैरान कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए नाज़रीन बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारी लिस्ट में मौजूद सबसे पहले वाक्य की डिटेल आपके साथ शेयर करें, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने कुत्ते जैसा नजर आने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। इस शख्स का तलक जापान से है और इसने कुत्ते जैसा नजर आने का ख्वाब पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। जापानी शख्स ने बड़े बालों वाला कुत्ता बनने के लिए ज़ोपेटो नामी एजेंसी की खिदमात ली जो फिल्मों, इश्तेहारात और दिगर तफरी सहूलियात के लिए मलबूसात तैयार करती है, और इस लिबास की तैयारी पर 12 लाख रुपए खर्च हो गए और 40 दिन लगे इस लिबास को तैयार करने। इस शख्स ने बताया कि अब इसका कुत्ता बनने का ख्वाब पूरा हो गया है। कुत्ता इसका पसंदीदा जानवर है और ये इस जैसा बनने की ख्वाहिश रखता था जो अब इस लिबास ने पूरी कर दी है, और इसका कहना है कि वो जब भी ये लिबास पहनता है तो बड़ी खुशी महसूस करता है और इसे पहन कर ये बिल्कुल एक असली कुत्ता लगा। अभी हमारी लिस्ट में मौजूद दूसरे वाक्य की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें बहुत ही हैरत अंगेज वाक्य आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसने शहरी को सुबह सवेरे 40 लाख रुपए का मालिक बना दिया। अमेरिका में एक शख्स सुबह सवेरे कॉफी के लिए दूध खरीदने की गर्ज से दुकान पर गया और किस्मत इस पर मेहरबान हो गई। ये शहरी घर से दूध खरीदने निकला और करोड़ों का मालिक बन गया, मगर कैसे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। एक दिन पहले ही ये शहरी जब इस दुकान पर दूध खरीदने के लिए आया था तो इस दूध से एक लॉटरी टिकट खरीदने की पेशकश की। शहरी ने वो लॉटरी टिकट ले लिया और घर चला गया। उससे अगले दिन ही शहरी जब दोबारा दुकान पर आया तो वो करोड़ों का मालिक बन चुका था, और उसका कहना था कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि किस्मत इतनी जल्दी इस पर मेहरबान हो गई है, जबकि मैं तो घर से दूध लेने आया था और अब कॉफी के लिए दूध के साथ 40 लाख रुपए लेकर घर जा रहा हूँ। अभी हमारी लिस्ट में मौजूद तीसरे वाक्य की डिटेल आपके साथ शेयर करें हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं शादी में दिया गया तोहफा धमाके से फट गया। शादी ब्याह के मौके पर दुल्हा और दुल्हन को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और कुछ मजाहिया गिफ्ट भी दे रहे हैं, मगर आज एक शादी में दिए गए बहुत ही हैरत अंगेज गिफ्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसने दुल्हे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आखिर ऐसा क्या था उस गिफ्ट में और वो गिफ्ट किसने दिया था, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और ये वाकया जिस शख्स के साथ पेश आया उसकी शादी को भी एक ही दिन हुआ था। शादी में रिश्तेदारों की तरफ से दिए हुए तोहफे तहाइफ खोलने बड़ी खुशी से बैठ गया और गिफ्ट खोलने लगा। अब बारी आई साली के गिफ्ट की और ये दुल्हा अपने भांजे के साथ ये गिफ्ट खोल रहा था। जब साली का गिफ्ट खोला तो इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत टेडी बियर निकला। दोनों ने जब इसे चलाने के लिए चार्जिंग पे लगाया तो वो धमाके से फट गया और दोनों शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात की तो साली ने बताया कि ये गिफ्ट उसको उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था और इसने अपने बहनोई को शादी के गिफ्ट के तौर पर दे दिया। साली ने बताया कि इसके बॉयफ्रेंड से अब इसकी दोस्ती खत्म हो गई थी, इसलिए उसने इसे मारने की साजिश की थी। पुलिस ने बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया तो इसने इतराफे जुर्म भी कर लिया, और तहकीकात से पता चला है कि दुल्हे की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। हमारी लिस्ट में मौजूद चौथे नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे कलम के बारे में, जिसकी वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नई दिल्ली भारतीय रियासत तेलंगाना से तलक रखने वाले शहरी ने 2011 में दुनिया का सबसे कद आवर कलम तैयार करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी नई वीडियो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शेयर की गई है। अचरिया नामी शख्स ने दुनिया का पहला 372 किलोग्राम वजनी बॉल पेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से शेयर की गई इस वीडियो में आप इस पेन को देख सकते हैं। इस कलम की लंबाई 5.5 मीटर है। 5 लोग मिलकर इससे लिखते हैं। इस पेन की तैयारी में दहातों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस पेन के ऊपर हाथों की मदद से खसूसी डिजाइन भी बनाए गए हैं। हमारी लिस्ट में मौजूद 5वें और आखिरी नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं लाखों रुपए की होने के बावजूद बारिश से ना बचाने वाली छतरी के बारे में। आज हम आपको दुनिया की महंगी तरीन छतरी के बारे में बताएंगे। आप सब जानते हैं कि छतरी का काम ही बारिश से बचाना होता है, लेकिन चीन में एक नई छतरी मुतारफ करवाई जा रही है जो कि लाखों रुपए की होने के बावजूद भी बारिश से महफूज नहीं रखेगी। इस छतरी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी कीमत 3 लाख रुपए से जायद है और ये वाटर प्रूफ भी नहीं है, बल्कि इसे सूरज से बचाव और सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के दिलचस्प
दस और हैरत अंगेज वाकयात। इन सारे वाकयात में से आपको किसने सबसे ज्यादा हैरान किया है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।